देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी माँ से बड़ा ही लगाव था, इसीलिए वो जब भी गुजरात दौरे पर जाते तो अक्सर समय निकालकर अपनी माँ से मिलने घर जरूर जाया करते थे। लेकिन अब पीएम मोदी किसके लिए घर जाएंगे, क्योंकि जिस माँ के लिए वो घर जाया करते थे वो माँ हीराबेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं माँ और बेटे का रिश्ता बेहद खूबसूरत और अनमोल होता है। पीएम मोदी का भी अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता था। जिस तरह से दुनिया की तमाम माएं अपने बेटों के लिए फिक्रमंद होती हैं, उसी तरह से हीराबा भी अपने बेटे नरेंद्र मोदी के लिए बेहद फिक्रमंद थी। और उनकी ये फिक्र उस वक्त देखने को मिली थी जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरनाक वायरस कोरोना से लड़ रहा था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देशवासियों की फिक्र करते हुए पूरे जी जान से काम में जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की फिक्र कोई कर रहा था तो वो उनकी बुजुर्ग माँ हीराबा थी, जो कोरोना काल में उनसे पूछा करती थी कि काढ़ा पिया तूने। दरअसल पीएम मोदी और उनकी मां के बीच इस प्यार के बारे में बीजेपी के दिग्गज सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी का अपनी मां हीराबा से विशेष लगाव था। वो हमेशा पीएम के लिए प्रेरणा रही। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान एक बार बताया था कि कोरोना काल में हीराबा उनसे फोन करके पूछती थी कि क्या उन्होंने काढ़ा पिया। हीराबा पीएम मोदी को हफ्ते में दो बार फोन करके ये बात जरूर पूछती थी। इस वाकये से पता चलता है कि माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे बेटा प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाए। दरअसल कोरोना काल में काढ़ा की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि इसे कोरोना की अचूक दवाई के रूप में देखा जा रहा था। यही वजह है कि पीएम मोदी की मां भी उन्हें फोन पर अक्सर काढ़ा पीने के बारे में पूछा करती थी। लेकिन आज जब एक बार फिर कोरोना वायरस दस्तक देने लगा है और पीएम मोदी एक बार फिर देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, तो इस बीच उनकी फिक्र करने वाली माँ अब उनके साथ नहीं होंगी, क्योंकि 100 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक महान सपूत देने वाली ऐसी माँ को पूरा देश जहाँ आज नमन कर रहा है, तो वहीं इस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई जब पीएम मोदी एक बेटे का फर्ज निभाते हुए भारी मन से अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख कर ले जाते हुए नजर आए। आप भी देखिए वो भावुक कर देने वाला पल।